में दस दस लैपटॉप पहुंच गए होंगे। लेकिन मुश्किल ये है, कभी कभी लैपटॉप पाने वाले लोग भी लोकतंत्र में आपके पक्ष में मतदान नहीं करते हैं। लेकिन लैपटॉप बांट के दिखाया, अब ये सरकार क्यों नहीं बांट पा रही है इसका मुझे कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बातें रखी थी, लोग अभी भी 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, नौजवान 2 करोड़ नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, हमारे किसान दुगनी उनकी आय हो जाए उसका इंतजार कर रहे हैं, महंगाई कम हो जाए उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने गैस के चूल्हे गांव भिजवाए थे उज्ज्वला के माध्यम से, हमारे गांव के लोग बहुत कम ही दोबारा सिलेंडर भरवा पाए होंगे, और कुछ लोग तो सिलेंडर इसलिए नहीं भरवा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि रोटी का और खाने का टेस्ट बदल गया है, वो दोबारा अपने उसी पे पहुंच गए हैं। तो यश कुमार जी हैं उमरदा से, उन्होंने अपना एक सवाल मुझसे पूछने के लिए कहा था, एक्सप्रेस वे पे सवाल पूछना चाहते हैं शायद। यश कुमार जी कहाँ है? हाँ जी बताएं यश कुमार जी, इधर माइक दे दिया इनको प्लीज, आप वहीं रहें, आप तक माइक पहुंच जाएगा। ये उमरधा गांव से हैं शायद जी। यश कुमार जी पूछिए। हमारा प्रश्न भैया जी से है, जो आपने एक्सप्रेस वे के किनारे मंडियों का प्रस्ताव रखा था, आपकी सरकार जाने के बाद वो तो बिल्कुल गायब हो गया, अब इसके बारे में आप विपक्ष के रूप में कोई प्रेशर नहीं देते क्या? ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपने एक्सप्रेस वे बनाया उसके किनारे जो मंडियां आपने प्लान की थी वो इस समय नहीं बना रहे हैं मौजूदा सरकार, तो क्या विपक्ष में रहते हुए किसी तरीके का उन पे दबाव बनाया जा सकता है जिससे कि वो मंडियां बना दे, जिससे किसानों को और नौकरी का लाभ मिल सके? देखिए, दिल्ली तक समाजवादी पार्टी लगभग सभी विधायक हार गए हैं, और दिल्ली के बाद जहां उत्तर प्रदेश शुरू होता है वो लखनऊ जाने के लिए ये जो रास्ता बनाया एक्सप्रेस वे, इस पर सभी विधायक और मंत्री उनके चलते हैं, उन्होंने हमारा मंडी का काम रोक दिया है, हम और सब लोग विपक्ष में उनको चलना तो नहीं रोक सकते उनका, लेकिन जब सरकार में हम लोग आ जाएंगे तो दोबारा उन कामों को फिर शुरू कर देंगे, और इस बार दुगनी रफ्तार से शुरू करेंगे, इस बार दुगनी रफ्तार से काम होगा, क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि जितना रफ्तार बढ़ा देंगे उतनी रफ्तार से विकास बढ़ता है। लोग न जाने कितने एक्सप्रेस वे पे चल रहे होंगे, उस समय तो कम लोग चल पाए थे, केवल हमारी बात को माना था उन्होंने, कुछों ने यकीन किया कुछों ने नहीं यकीन किया, लेकिन अब तो बड़ी संख्या में लोग चल रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में वो आपके विकास का आपके काम का समर्थन करेंगे, और देश में अगर कोई सड़क बनेगी तो वो यकीन ये बात कहेंगे कि सड़क भी ऐसी ही बननी चाहिए जैसी बनी है समाजवादी सरकार के माध्यम से। ऑन बिहाफ ऑफ दिस, हाँ एक कुर्सी पर लगा दो। ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्रोग्राम ऑफ समाजवादी संवाद एंड चौपाल ऑन ट्विटर, आई हार्टली वेलकम द टीम फ्रॉम ट्विटर, कॉलिन ट्रोवल, मिस्टर कॉलिन ट्रोवल इज ऑलरेडी हियर, प्लीज मोस्ट वेलकम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ज्वाइन अस ऑन द स्टेज। आप बीच में कॉलिन ट्रोवल इज द नेशनल प्रेसिडेंट। ओके दैट्स फाइन, then I'll probably request you to speak at the end once we are close, sir. Yeah, I just want to say a very quick welcome from the Twitter team. It's exciting to see this use of the Twitter platform to engage
citizens and to democratize access to information important in the civic life of the country. And I'll just get off the stage now and let the show continue. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. I'll join you later. Thank you. Please. Yeah. They can go inside if they want to. Where are you? Give him a chair there. Or here. This side, Aja. Sir, RP. RP. This side, kara dijiye. कॉलिन ट्रेवल साहब ने कहा कि वो बहुत खुश हैं यहाँ आकर के और इस बात से बहुत खुश हैं देख करके कि ट्विटर का प्लेटफॉर्म इतने सारे लोगों तक डायरेक्टली पहुंच रहा है और सीधे टेक्नोलॉजी ग्रासरूट तक पहुंच रही है. इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दी है, समाजवादियों को बधाई दी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दिया है और बधाई दी. हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे. कोई बात नहीं, कोई यहाँ सब समाजवादी हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है. अभी तो माहौल और अच्छा होता जा रहा है. अध्यक्ष जी, एक सवाल पूछा है तरुण दत्त जी ने, @तरुण दत्त16. इनका सवाल है कि आज के समय में भारतीय राजनीति में प्रेरणा स्रोत नेताओं की कमी क्यों है और भारतीय राजनीति का स्तर क्यों गिरता जा रहा है जैसे जुबानी जंग, और इसके लिए क्या किया जा सकता है इसको आगे ठीक करने के लिए. पॉलिटिक्स में एक बड़ा सवाल है. देखिए, अंतोगत्वा जनता को ही तय करना है कि जनता ही तय करती है कि आखिरकार राजनीति में भाषा क्या हो, राजनीति के करने वालों का व्यवहार कैसा हो. मैंने अभी कुछ दिन पहले इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा राजनीतिक शिष्टाचार को नीचे लाने का काम किया. अभी तक आप कभी भी समाजवादियों की तरफ से नहीं सुना होगा कि कहीं भी कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो जहां किसी को आपत्ति रही हो. अगर कभी किसी को आपत्ति हुई तो समाजवादियों ने अपने शब्दों को वापस लिया है. लेकिन जमाना नया है, लोग कभी कभी उन चीजों को पसंद करते हैं. अगर जलन संस्कृति बन जाएगी, दूसरे को नीचा दिखाना संस्कृति बन जाएगी, और अगर हम बुरा कहें दूसरे को और दूसरे को अच्छा लगे, तो आखिरकार हम समाज किधर ले जा रहे हैं. अब देखिए, राष्ट्रीय पार्टी एक है, उनके अध्यक्ष को वो पप्पू बोलते हैं, उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें चौकीदार चोर बोलते हैं. समाजवादी तो नहीं कह रहे कुछ. तो कम से कम अगर जनता रास्ता दिखाएगी. अब कोई ये भी कह सकता है कि आप इसलिए नहीं कह रहे हो क्योंकि आप डर रहे हो उनसे. अगर आप किसी का सम्मान कर रहे हो इसका मतलब आप कमजोर नहीं है. तो समाजवादी लोग अपने भाषा और व्यवहार को ठीक रखना जानते हैं, और कभी भी अगर ऐसी परीक्षा आई उन घड़ी में भी समाजवादियों ने अपने भाषा और व्यवहार का संतुलन रखा है. और आपने परीक्षा पहले दी भी है, कई ऐसे मौकों पर समाज ये साबित हुआ है कि कैसे लोग चुनाव लड़ेंगे कैसे नहीं लड़ेंगे. हाँ, लेकिन कई बार जब टोंटी वाली बात आई तो मैंने चिलम वाली बात जरूर जोड़ दी उसमें. अपना बहुत व्यवहार नहीं बदला, लेकिन एक सीमा के अंदर वो बात उन तक पहुंचा दी कि उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि राजनीतिक दुश्मनी ऐसी करोगे तो थोड़ा बहुत समाजवादी लोग भी जानते हैं कि कैसे कहां से क्या ढूंढा जाएगा. अध्यक्ष जी, हार्दिक जी ने पूछा है ट्विटर के माध्यम से #अखिलेश की चौपाल पे कि कुछ लोग बोलते हैं कि सपा और बसपा बीजेपी से डर के गठबंधन कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी का खुद 45 दलों के साथ गठबंधन है. इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पिछला चुनाव और पिछले कई चुनाव ऐसे हुए हैं जहां पर दलों ने मिलकर के गठबंधन किया है, क्योंकि प्रचार में समाजवादी लोग थोड़ा पीछे थे. हम जनता को नहीं समझा पाए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने गठबंधन किए हैं. अभी भी धारणा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास बड़े पैमाने पे गठबंधन किए हैं, बड़े पैमाने पे दूसरे दलों के नेता हैं उनके साथ, इसलिए उनकी ताकत बनी है. और अब तो कई दल उनका साथ छोड़ चुके हैं,
तो हम समाजवादियों ने भी कहा कि विकास में हम समाजवादी लोग आगे हैं, लेकिन अपनी गिनती कैसे ठीक कर लें? गिनती ठीक करने के लिए लगातार समाजवादी लोग काम कर रहे हैं, और जब गिनती ठीक की तो हमारे लोगों को जानकारी होगी कि गोरखपुर का चुनाव, जहां से मुख्यमंत्री चुन करके आते थे, वो चुनाव भी वो हार गए, उप मुख्यमंत्री भी हार गए गिनती ठीक की। तो जब हमने गिनती ठीक की, क्योंकि कई बार प्रेस में ये मैंने कहा कि हम पे काम भी है, उपलब्धियां भी हैं, और किस तरीके से आगे चीजें ले जा सकते हैं वो भी समाजवादियों पर हैं, लेकिन हम पे ग्लू नहीं है चिपकाने का कुछ। आखिरकार वो ग्लू ढूंढ लिया हम लोगों ने, जिसका संकोच करते थे। इसे गिनती ठीक की है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो गिनती ठीक करना सिखाया, उसी रास्ते पर चल करके हम समाजवादियों ने अपनी गिनती ठीक कर ली।